क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। किस गांव के प्रधान हैं आप? ग्राम सभा सहाबाबाद। विकास खंड बताइए। हराजी लाइन जनपद वाराणसी। विकास योजनाओं के क्रम में आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किए? विकास की योजनाओं में हम लोगों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और हम लोगों ने रोड बनवाए हैं, जैसे सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड, आवास बनवाए हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री से 2 आवास मिला, इसके बाद लोहिया ग्राम सभा था उसमें हम लोगों ने 23 लोहिया आवास बनवाया, उसके बाद 15-20 तो इंदिरा आवास पहले का था, वो जब चलती थी पूर्व की सरकारें उसमें हम लोगों ने बनवाया है। आपको क्या लगता है खटक तो और अच्छा रहता है, कौन सा ऐसा काम छूट गया है जो जनहित में नहीं हो पाया? विकास कार्य का देखिए कोई अंत नहीं होता, विकास तो अनवरत चलता रहता है और छूटे हुए काम को हर बार लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग छूटने में जैसे पानी का जो जल निकासी है हमारे गांव स्वभाव का, आप अगल बगल की भी यहाँ बहुत बड़ी विकट समस्या है जल निकासी की। जल जैसे लोग घर में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सीवर तो हम लोग लगवा दिए हैं, लेकिन जल निकासी के लिए पूरा गांव हमेशा परेशान रहता है। उसको अगर डेवनाइज करके जल को नहर में छोड़ दिया जाए या किसानों के खेत में छोड़ दिया जाए तो उससे किसान भी खुश रहेंगे कि पानी पानी एक पानी दो काम होगा, किसान का भी उपज बढ़ेगा उससे और पानी भी अच्छे जगहों में उपयोग में आ जाएगा। तो क्या धन की वजह से कुछ काम रुक गया आपका? हाँ, धन उसमें बहुत धन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है ना। जैसे हम लोगों ने प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, या माननीय विधायक भी हैं, उन लोग जरा प्रयास करें तो यह काम बड़ा है, संभव है, हो सकता है, क्योंकि ग्राम पंचायत की छोटी इकाई है, हम लोगों में छोटा बजट आता है, इतना बड़ा काम हम लोग कर नहीं पाते हैं। आगे पूछिए। आप प्रधान जी जरा ये बताइए कि विकास योजनाओं में आप लोग काम कराते हैं, विकास की इकाई गांव सभा है, हाँ, तो क्या भ्रष्टाचार को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार देखिए हम लोग तो अपने गांव में भरपूर प्रयास किए कि हम लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त गांव रखें जी। यहाँ चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, कोई एक पैसा किसी से नहीं लेता। अगर लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करवाते हैं। हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, हम खुद की नहीं, किसी जो गरीब जनता हमको वोट देकर बनाती है उसी से पैसा ले, ऐसा भगवान जिंदगी में काम करे और ऐसे पद से हमको इस्तीफा दे दे। गांव की बात नहीं, हमने ब्लॉक स्तर की किन परेशानियों के सामने गुजरना पड़ता है। देखिए ब्लॉक स्तर का जो काम है अब वो क्या कहा जाए, किसी से छुपा नहीं, चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील हो, आप तहसील पर चले जाइए, एक वरासत भी कराने जाएंगे तो तमाम प्रकार की परेशानियां हैं और उससे जूझ कर भी काम करना, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन व्यवस्था है लोग कर दे रहे हैं फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। अब जो भूमाफियाओं का इधर क्षेत्र में धीरे धीरे दबदबा बढ़ता जा रहा है, वो कोई ज़मीन बंजर है जैसे पोखरे की ज़मीन है या इस तरीके पर भी कब्जा करके अपना जो है बनवा ले रहे हैं, और हम लोग जब दरखास्त दे, बगल में चकबंदी हो रही है और बाउंड्री भी हो रहा है दरेकू गांव सभा में, आप दिखवा लीजिए, कम से कम कई एकड़ ज़मीनें जो है सब भूमाफियाओं ने कब्जा करके घेर लिया है। विकास प्राधिकरण आता है कभी कल को आया तो कहा गाड़ी लेकर आया, थोड़ा सा गिरा कर चला गया। जब बताइए जब विकास प्राधिकरण गिरा रहा है तो कैसे हिम्मत पड़ रही फिर उनको जोड़ने का? आखिर कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार है तभी ना जोड़ रहे हैं, और फिर किस बात का चकबंदी होगी तब? जब किसानों के हित में चकबंदी हो रही है तो चकबंदी इसीलिए हो रही है कि सबका डाटा सबका नंबर जो है बढ़ जाएगा, उसके बाद लोग अपना अपना निर्माण करें, लेकिन भूमाफियाएँ 10 बीघा 5 बीघा 8 बीघा जबरदस्ती घेर ले रहे हैं, इस तरह भ्रष्टाचार हो जाता है जी। अच्छा कौन सा ऐसा विकास कार्य करवाया है जिसका निधि पैसा आपका खर्चा हो गया लेकिन वह पेमेंट अब तक नहीं गया है?
यही जो जो जो, जो दो ठेरी हम लोग तो दो ठेरी बोर कराए थे हैंडपम्प का, समय था वो 4-6-8 दिन जो है वो नेट थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इस वजह से पेमेंट जो है हमारा तो बहुत नहीं फंसा है। अच्छा, वेबसाइट बंद हो गई इसलिए जी।